सुबह सुबह फोन करके एस्टेसी कर दी यार, रिजाइन में दे रहा हूँ। यहाँ पे कौआ भी आ गया इसको खाने के लिए, और ये अटका हुआ मंजे में आ गई भाई। अब इसको वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, स्वागत है आपका तिगड़ी व्लॉग्स में। तो वेलकम नहीं करना था, पहले कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आपको। राहुल का आया फोन मेरे पास, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो उसको फोन आया मेरे पास कि भाई जल्दी से आ जा, अब तो YouTube वगैरह बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा बंद करना पड़ेगा? अभी तो हमारा चैनल बढ़िया चल रहा है, आप क्यों बंद करना पड़ेगा? कह रहा भाई बस तू आ जा, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब मेरे को लग रहा है डर, अभी चैनल हमारा अभी अच्छे ग्रो कर रहा था, अब वो बंद होने करने के लिए कह रहा है। साला दिमाग खराब हो गया, सुबह से दिमाग खराब हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ उसके पास, उसने मेरे को नेहरू प्लेस बुलाया है। अब नेहरू प्लेस पता नहीं क्या करेगा वो, वहीं जाके बात करते हैं। मैं भी पहुंच रहा हूँ, जैसे होगा आपको ब्लॉग में अपडेट मिल जाएगी। ठीक है ओके बाय। तो मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। अब मेरे को गुस्सा भी आ रहा और मेरे को वो भी हो रहा है कि कहीं यूट्यूब बंद ना करना पड़ जाए। इतनी मेहनत से बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद तो चालू करा है, और ये भाई अब कह रहे बंद करने की। पहुंच गया, मैं उसे फोन कर रहा हूँ, वो कहाँ पर है। ठीक है तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। खादर आ गया है। हाँ भाई बता क्या प्रॉब्लम हुई थी भाई? दिक्कत ये कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ। चैनल क्या हुआ बात बता भाई? बात ये होगी कि हमारा हो गया सिस्टम खराब। तो सिस्टम ठीक हो जाएगा ना, उसमें चिल्लाने वाली क्या बात थी? दिमाग खराब कर रहा है टाइम से। अबे बीच में सुबह सुबह फोन करके एस्टेसी कर दी यार। भाई देखो छोटी सी बात थी, वो खराब हो गया, पीसी खराब हो गया, और उसके अंदर ऐसे बोल रहा है फोन करके कि भाई जल्दी आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो जब हरिद्वार और मसूरी वाला ट्रिप जो हमारा था वहाँ से आए ना वापस, तो देखा तो मेरा सिस्टम चले गया और मेरा हो गया दिमाग खराब हो गया था। वो तो तुम्हारे भाई को तो ना आता कि थोड़ा बहुत की अपने आप सिस्टम ठीक करा लेते हैं भाई। ये मैं रिजाइन में दे रहा हूँ। चल ठीक है रिजाइन छोड़। इतनी सुबह बुला लिया, सारी दुकान बंद है, और ये भाई भी अपना काम करने खोलने में लगे हुए दुकानें। भाई ये देखो सामान पड़ा पैक, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया मतलब टाइम। हाँ सिस्टम नहीं चल पा रहा तो मजा सा नहीं आता, पर जो भी तो आएगा ना आराम से बोलते हैं, ये हो गया वो हो गया, आराम से बात करो भाई। यार कवर लेना फोन का भाई, ट्रांसपेरेंट। तो गाइज मैं राहुल से मिलके निकल चुका हूँ। एक्चुअली उसका पीसी खराब हो गया था, तो उसकी वजह से वो मेरे को डरा रहा था कि यूट्यूब बंद हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको छोड़ के आ गया हूँ सर्विस सेंटर पे, क्योंकि सर्विस सेंटर 11 बजे तक खुलेगा, 10:30-11 बजे के बीच में, उतना मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस नहीं होता तो मैं रुक जाता उसके साथ, बट मैं उसको छोड़ के आ गया हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यूट्यूब दोबारा कंटिन्यू करेंगे जैसे चल रहा है हमारा। ठीक है तो भाई टाइम इन्होंने रखा था वहाँ पे अपने वेबसाइट पे 9:30 से 2 बजे सैटरडे, और हम 9:43 पे आ गए, लेकिन अभी भी तक ऑफिस ओपन नहीं हुआ और मैं खड़ा हूँ बाहर। सामने का माहौल भी कितना मतलब सही नहीं है, ऊपर से बारिश तो आज हो रही है अच्छी खासी। देखो क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, फंस गया मैं तो। ये देखो कैसे मतलब किस्मत खराब होती तो ये होता है ना, काम हुआ ना कुछ, ऊपर से घोची घोची घोची। तो भाई मैं यहाँ से निकल तो लिया हूँ, लेकिन दिक्कत ये हो गई, उन्होंने बोला है कि भाई 10 से 20 दिन तुम्हें लग जाएंगे। ठीक है नहीं 10 से 12 दिन बोला। ये देखो दोस्तों यहाँ पे कौआ भी आ गया इसको खाने के लिए, और ये अटका हुआ मंजे में। तो भाई अभी यहाँ चढ़ गया, चद्दर ले गए। ठीक है अभी देखते हैं। तो हमारा भाई चढ़ गया ऊपर। अगर ये मंजा धागे वाला होता ना तो वो कभी छूट जाती। ये देखो भाई, लेकिन ये मंजा प्लास्टिक वाला ना, इसीलिए मंजा प्लास्टिक वाला यूज नहीं करना चाहिए कभी भी। हमने पड़ोसी को फोन किया, उन्होंने टाइम लगा दिया। भाई कैची मिल जाएगी, रुको मैं लाता हूँ अभी एक मिनट। ऐसी कर लेना हल्का तोड़ के, यहाँ नीचे लग सुलझा लियो। देखो बहुत ज्यादा ही उलझपड़ा है सही में। ना ना ऐसे मत करे, चल ठीक है। हाँ मैं आ गया दूसरी छत पे।
ना ना छोड़ी मत ना। हाँ इन्हें दे दे भाई, दे दे। ये देखो एक मिनट छोड़ दो, ये आ गई भाई, अब इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, देखो कितना सारा मांजा अटका हुआ है, और सारा का सारा मांजा जो है ना प्लास्टिक वाला है। ठीक है, और अब इसको देखते हैं, इसको इससे निकाल के फिर हम इसको छोड़ देंगे। ये देखो कितनी बुरी तरीके से अटका पड़ा है इसमें, ये दिख रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था ये निकलने के लिए, लेकिन ऐसे तो होगा नहीं। सुबह सुबह हमने इसको देखा, काफी सारे पक्षी इसके पास आके चिल्ला रहे थे, तो देखा कि ये ना मंजा इसमें फंसा हुआ, अरे प्लास्टिक का है, जल्दी से टूटता भी नहीं है, इसको थोड़ा बहुत अगर पक्षी खींचेगा भी ना तो भी ये टूटेगा नहीं है, तो ये इसमें बुरी तरीके से फंस चुका है और ये बिल्कुल मरने की हालत में ही था। तो वो इसके पीछे पड़ रहे थे इसको मारने के लिए, उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा था। ठीक है, मतलब सुनो ये वाला तोड़ दिया मैंने, कैची मंगा, कैची लाऊं, ये देखो इतनी गंदी तरीके से, देखो जख्म कितना बना हुआ है भाई। अगर पतंग उड़ाओ ना तो प्लास्टिक वाले मांजे से मत उड़ाओ, ठीक है, और उड़ाना भी है तो अपना सेफ तरीके से, उसमें सब कोई नुकसान है। देखो ये देखो कितना सारा मांजा, ये देखो, और अब इसको हम बेचारे को आजाद कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 तो 15 अगस्त जो भी पतंग उड़ाओ ना तो देख के उड़ाना, तरीके से उड़ाना, प्लास्टिक का मजा यूज मत करना, बिल्कुल नॉर्मल यूज करना जो पहले यूज करते थे। ठीक है भाई, बाकी यहाँ पे कौवा भी आ गया इसको खाने के लिए, और ये अटका हुआ मंजे में।